इस वक्त बड़ी खबर, महाराष्ट्र से अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को फिर दिया बड़ा झटका। अजीत की पार्टी में जा सकते हैं शरद के करीबी। राहुल जगताप के अजीत खेमे में जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव में शरद की पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिली। चुनाव में राहुल जगताप ने शरद से बगावत की थी, टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे, तो वहीं चुनाव में निर्दलीय ही लड़ने पर वो दूसरे नंबर पर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें अजीत पवार की पार्टी में जा सकते हैं शरद के करीबी राहुल जगताप। इस वक्त बड़ी खबर, महाराष्ट्र से अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को फिर दिया बड़ा झटका। अजीत की पार्टी में जा सकते हैं शरद के करीबी। राहुल जगताप के अजीत खेमे में जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव में शरद की पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिली। चुनाव में राहुल जगताप ने शरद से बगावत की थी, टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे, तो वहीं चुनाव में निर्दलीय ही लड़ने पर वो दूसरे नंबर पर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें अजीत पवार की पार्टी में जा सकते हैं शरद के करीबी राहुल जगताप। इस वक्त बड़ी खबर, महाराष्ट्र से अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी को फिर दिया बड़ा झटका। अजीत की पार्टी में जा सकते हैं शरद के करीबी। राहुल जगताप के अजीत खेमे में जाने की खबर है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र चुनाव में शरद की पार्टी को सिर्फ 10 सीटें मिली। चुनाव में राहुल जगताप ने शरद से बगावत की थी, टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे थे, तो वहीं चुनाव में निर्दलीय ही लड़ने पर वो दूसरे नंबर पर आए। इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें अजीत पवार की पार्टी में जा सकते हैं शरद के करीबी राहुल जगताप।